हेलो स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट न्यू चैप्टर राइज ऑफ स्मॉल किंगडम इन नॉर्थ इंडिया चैप्टर 10. इन दिस वीडियो वी कवर समथिंग टू नो ए बी सी डी एंड ई ऑल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. हु वॉज द ऑथर ऑफ कावेरी राजमार्ग. ये जी जो लिखा हुआ है उसके जगह पे जे है, ठीक है. इसको राजमार्ग पढ़ेंगे. हमारी बुक में भी जो लिखा है जी लिखा हुआ है, ठीक है. तो वो राजमार्ग है, राज है वो. एन तो ऑथर ऑफ कावेरी राजमार्ग अश्व अमोक वर्षा. अमोक वर्षा इज द ऑथर ऑफ कावेरी राजमार्ग. क्वेश्चन नंबर टू. विक्रमशिला विहार अ सेंटर फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय. तो विक्रमशिला विहार को किसने बनाया था, किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी? तो वो धर्मपाल के द्वारा. क्वेश्चन नंबर थ्री. द सन टेम्पल नॉन फॉर इट्स फाइन आर्किटेक्चर इज सिचुएटेड एट. सन टेम्पल को अपने बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो वो है कोणार्क. देन क्वेश्चन नंबर फोर. हु एमोंग्स द फॉलोइंग किंग वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल. तो इसमें से जो कौन सा किंग है जो लोगों के द्वारा चुना गया था? तो वो गोपाल था. फाइव. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाई द प्रतिहाराज. अब इसमें जो टेम्पल्स दिया हुआ है उसमें से कौन सा जो टेम्पल्स था वो प्रतिहार लोगों ने नहीं बनाया गया था? तो महाबलीपुरम का जो टेम्पल था वो प्रतिहार के द्वारा नहीं बनाया गया था. अब फिल इन द ब्लैंक्स देखिए. यहाँ पे जो भी रेड कलर से लिखा हुआ है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है, ठीक है. एक बार हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं. रीजनल लैंग्वेज डेवलप वेरी फास्ट अंडर द रूल ऑफ किंग मिहिर भोज. मिहिर भोज के अंडर में जो रीजनल लैंग्वेज थी बहुत ही फास्ट डेवलप हुई थी. डैस वॉज द रियल फाउंडर ऑफ राजकूटल्स एम्पायर. तो दंती दुर्गा, ये हम लोगों ने क्लास सिक्स में भी पढ़ा था दंती दुर्गा. द गिफ्ट ऑफ लैंड टू द ब्राह्मण वॉज नॉन एज ब्रह्मदेय और अग्रहार के नाम से जाना जाता था. जो गिफ्ट राजा के द्वारा ब्राह्मण्स को गिफ्ट दिया जाता था वो. भक्ति संत अपोज्ड सुपरस्टिशंस एंड नैरो माइंडेडनेस. भक्ति संत जो थे वो सुपरस्टिशंस को, यानी कि जो भी भ्रांतियाँ थी समाज में उसको दूर करने का काम, संकीर्ण और मानसिकता के को दूर करने का काम किया करते थे. द एग्जाम्पल ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कैन बी फाउंड इन द फॉर्म केव्स और टेम्पल्स. देन ट्रू और फॉल्स. द किंगडम ऑफ प्रतिहाराज एंड पाल्स रूल्स इन नॉर्थ इंडिया. यस ट्रू. गोविंदा थ्री वॉज द राजकोट रूलर. यस. द त्रिपति स्ट्रगल इन्वॉल्व द राजकोटाज प्रतिहाराज एंड पालाज. हाँ, ये त्रिपितक जो स्ट्रगल हुआ था, त्रिगुतीय स्ट्रगल होता था, तो ये लोग आपस में करते थे. द फोर मेन क्लैंस ऑफ राजपूत आर नॉन एज अग्निकुल्स. यस ट्रू. मोहम्मद गौरी केम फ्रॉम ईरान. फॉल्स. नो, मोहम्मद गौरी ईरान से नहीं आया था. देन क्वेश्चन आंसर. नेम द फोर मेन क्लैंस ऑफ राजपूताज. द फोर मेन क्लैंस ऑफ राजपूताज आर परमार्स मालवा, प्रतिहार्स राजस्थान गुजरात, चौहान अजमेर एंड चालुक्यास गुजरात. ये फोर मेन क्लैंस जो थे वो राजपूतास के थे. मेंशन द टाइटल टेकन बाय राजकोटा रूलर्स. अब राजकोटा रूलर्स के द्वारा कौन सा टाइटल दिया जाता था? द राजकोटा रूलर टुक अप द टाइटल लाइक चक्रवर्ती, महाराजाधिराज एंड परम भद्रक. ये जो टाइटल्स थे वो राजकोटा रूलर्स के द्वारा लगाए जाते थे. देन हु वॉज द चंद्रबरदाई. अब चंद्रबरदाई कौन था? चंद्रबरदाई वॉज अ पोएट हु कंपोज एन एपिक पोयम पृथ्वीराज राशो विच नैरेट हिज ब्रेवरी एंड हीरोज़म. इसमें पृथ्वीराज राशो के बारे में चंद्रबरदाई ने उसके सॉरी के बारे में दिखाया है. लिस्ट द टेम्पल बिल्ट बाई प्रतिहारा रूलर्स. प्रतिहारा रूलर्स के द्वारा कौन कौन से टेम्पल बनाए गए? द ब्यूटिफुल टेम्पल ऑफ खाजुराहो, कांचीपुरम, तंजावर, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क वर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ
हाराज, ये बी लिखा गया है, हाराज होगा, एच होगा, ठीक है, प्रतिहाराज, एच। गिव रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ फेडरल सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया, क्या कारण थे जो फेडरल सिस्टम डिक्लाइन किया था नॉर्थ इंडिया का। तो द फेडरल सिस्टम लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मैनी एम्पायर एज द फेडरल लॉर्ड गिव ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू द किंग। देन क्वेश्चन नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ई, व्हाई इज द पीरियड आफ्टर हर्षवर्धन डेथ कॉल्ड अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब हर्षवर्धन के डेथ के बाद के पीरियड्स को पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों कहा जाता है। द ग्रेट एम्पायर ऑफ हर्षवर्धन डिस इंटीग्रेटेड इन टू मैनी स्मॉल किंगडम्स बिकॉज ऑफ द मिजरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड लैक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज वीक सक्सेसर। उसके बाद के जो भी राजा आए थे वो कमज़ोर राजा थे, जिसके कारण वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल नहीं पाए। आफ्टर हिज डेथ दैट वॉज अ पीरियड ऑफ पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया, इसीलिए उसके जो डेथ के बाद का पीरियड कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में, वो पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी का रहा है, मैंने कि एक किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं रह पाया था उसके बाद। मैंशन फाइव इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द राजकुटाज एम्पायर, यहाँ पर राजकुटाज के फाइव इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताना है। द फाइव इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ राजकुटाज एम्पायर वर, क्या क्या फीचर्स थे। द राजकुटाज इस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन नॉर्थ डेक्कन इन 753 AD। इट वॉज द मोस्ट पावरफुल एम्पायर एंड बिकम अ मास्टर्स ऑफ अ लार्ज एरिया। सबसे पहले 753 AD में उन्होंने एक बड़ा अच्छा खासा एरिया को कैप्चर करके रखा था। देयर एम्पायर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया बिकॉज ऑफ देयर जोग्राफिकल लोकेशन। उनके जोग्राफिकल लोकेशन के कारण जो ये उनका जो एम्पायर था वो एक ब्रिज का काम करता था नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। द राजकुटाज रूलर वेयर ग्रेट पैट्रोन ऑफ आर्ट्स एंड लर्निंग, दे वर आर्ट लवर एंड स्कॉलर। किंग अश्वमवर्षा बिल्ड द फेमस रॉक कट कैलाश टेम्पल एट एलोरा, और अमोघवर्षा जो था उसने रॉक कट कैलाश टेम्पल बनवाया था एलोरा में। द राजकुटा वर ग्रेट वॉरियर्स एंड मेंटेन द ह्यूज आर्मीज, और राजकुटा जो थे अच्छे फाइटर्स थे और बहुत बड़ी आर्मीज को मेंटेन करके रखते थे। द राजकुटा रूलर फॉलो जैनिज्म बट दे अडॉप्ट रिलीजन टॉलरेंस टूवर्ड्स द हिंदूज एंड मुस्लिम एंड बुद्धिज्म। वो जो थे वो जैनिज्म के फॉलोअर्स थे, लेकिन इसके साथ साथ जो थे हिंदू मुस्लिम और बुद्धिस्ट को भी बराबर सम्मान दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर थ्री, वाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ पाल डायनेस्टी इन वेरियस फील्ड। पाल डायनेस्टी का क्या कंट्रीब्यूशन था अलग अलग फील्ड्स में। द पाल पीरियड इज कंसीडर वन ऑफ द गोल्डन एरा इन बंगाल हिस्ट्री। द पाल्स ब्रॉट स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल आफ्टर द सेंचुरी ऑफ सिविल वॉर बिटवीन वार्निंग डिवीजन। दे एडवांस द अचीवमेंट्स ऑफ प्रीवियस बंगाली सिविलाइजेशन एंड क्रिएट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। पाल्स लोगों ने एक सबसे पहला तो उन्होंने इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट देने इस्टेब्लिश शासन देने का काम किया था वहाँ पे बंगाल में, और बंगाली सिविलाइजेशन को और बढ़ाया था, और उनका जो आर्ट और आर्किटेक्चर का वर्क था वो आउटस्टैंडिंग वर्क था उनका। क्वेश्चन नंबर फोर, मेंशन एनी फोर फेमस फीचर्स ऑफ प्रतिहारा रूलर्स। एनी फोर फेमस फीचर्स ऑफ प्रतिहारा रूलर्स वॉज क्या था। द ब्यूटिफुल टेम्पल ऑफ खाजुराहो कांचीपुरम तंजौर भुवनेश्वर पुरी एंड कोणार्क वर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ प्रतिहारास। ये सारे टेम्पल्स उनके समय बनाए गए। द प्रतिहारा किंग वर ऑल्सो पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट एंड लिटरेचर के अच्छे भक्त थे वो लोग। बंगाली अश्मी एंड उड़िया बिकम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया, ये भाषाएँ उस समय पॉपुलर थी ईस्टर्न इंडिया में। द फाउंडर ऑफ प्रतिहारास एम्पायर वॉज नागभट्टा फर्स्ट जो था वो फाउंडर था प्रतिहारा एम्पायर्स का। क्वेश्चन नंबर फाइव, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। अब इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन क्या था, अभी इकोनॉमिक कंडीशन पहले देखते हैं। देयर वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एमोंग डिफरेंट सोशल क्लासेस। द रॉयल फैमिली हाई ऑफिशियल्स एंड द ट्रेडर्स वेयर प्रोस्पेरियस। द पीपल लिविंग इन विलेज वेयर पुअर।
अब रॉयल फैमिली जो थी और हाई ऑफिशियल्स जो थे वो बहुत अच्छे पोजीशन में थे, ट्रेडर्स बहुत अच्छे पोजीशन में थे, लेकिन द लिविंग पीपल लिविंग इन विलेज वर पुअर, लेकिन गांव में रहने वाले लोगों की स्थिति ख़राब ही थी उस समय भी। सोशल कंडीशन, द इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू रिच कास्ट सिस्टम, द किंग एंड फेडरल लॉर्ड एंड द ब्राह्मण्स इज द हाई पोजिशन इंजॉय अ लाइफ ऑफ लग्जरियस लग्जरी, लैंड वॉज कल्टिवेटेड मेनली बाय शुद्राज वो वर बंडेड बाय द टैक्स एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, द कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज क्वाइट मिजरेबल, और वुमेन्स की कंडीशन भी उतनी खास अच्छी नहीं थी उस पीरियड में। देन नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ओके।